हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल इंस्टाग्राम पे इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने होमली टिप्स दे रहे हैं कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा पैक बनाओगे तो ये हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या होमली टिप्स दे रहे हैं फेस पैक के ऊपर, और पता नहीं कि वाकई वो उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं या फिर वो सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि इस टाइप के होमली टिप्स देने से या फिर इस टाइप के फेस मास्क बनाने से उनके व्यूज़ बढ़ जाए, उनके लाइक्स बढ़ जाए। अभी मैं कल ही स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पर, और सडनली मुझे एक पेज दिखा और मैंने उस पेज को जाके फॉलो भी किया, क्योंकि मुझे उनका टिप्स जो है काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि वाकई ये ना मतलब कुछ अच्छा बता रही हैं। बट फिर उसके बाद मैंने देखा कि उनके प्रोफाइल पे उनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी था, तो मैंने जाके उसको उस पर क्लिक किया ये देखने के लिए कि और क्या उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, किस टाइप के वीडियोस बनाए हैं होमली टिप्स के ऊपर। पर जब मैंने देखा तो मैं कम्प्लीटली शॉक्ड हो गई। क्यों? क्योंकि उनके जो शॉर्ट्स थे वो सिर्फ होमली टिप्स के ऊपर थे, और जो लॉन्ग वीडियोस थे वो कॉस्मेटिक के ऊपर थे। मतलब ये कॉस्मेटिक लगाओगे तो ये ब्राइटनेस हो जाएगी, वो कॉस्मेटिक लगाओगे तो आपका स्किन एकदम निखर जाएगा, आप प्रिटी हो जाओगे, और बहुत से कॉस्मेटिक्स के ऊपर उन्होंने वीडियोस बनाए थे। मतलब आई गेस 1000 के प्रॉक्सी वीडियोस होंगे उनके। तो वो पेज को देख के मुझको ऐसा लगा कि नहीं, ये जो भी टिप्स बताते हैं या जो बोल रहे हैं माइट भी कुछ सही भी हो सकता है और कुछ नहीं भी सही हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ बता रहे हैं बट इस चीज़ को मेरे ख्याल से उन लोग रियलिटी में फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने जितने लोगों के भी होमली टिप्स देखे हैं, उन्होंने जो भी चीज़ पैक बताया है या बनाया है उसको फेस पे अप्लाई कभी नहीं किया। वो सब अपने हैंड्स पे अप्लाई करके बोल देते हैं कि हाँ ये आप यूज़ करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप ये यूज़ करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, ये बल्कि बहुत अच्छी बात है कि कोई आपको बता रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें ही बता रहा है या बता रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पर मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ बताते हो किसी को और आप अपने आप को कॉन्टेंट क्रिएटर बताते हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप भी फॉलो करो ताकि दूसरों को भी विश्वास हो कि आपने जो पैक बनाया है वो वाकई इफ़ेक्टिव है और इसका रिजल्ट भी आता है। बट पता नहीं, बहुत से टिप्स हैं। मैंने रिसेंटली देखा कि आजकल जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो होमली टिप्स बताते हैं ऑनलाइन, उनका बोलना है कि जो बॉइल्ड राइस है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है हेयर के लिए, और उसका हेयर मास्क बनाओ तो ये हो जाएगा, या फिर फेस मास्क बनाओ तो फिर ये हो जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा पता नहीं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कौन सा राइस अच्छा है, बॉइल्ड राइस अच्छा है हेयर के लिए या फिर रॉ राइस अच्छा है। तो जो कुक्ड राइस है वो हेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुक्ड राइस में काफ़ी बैक्टीरियाज होते हैं और कुक्ड राइस सिर्फ आपके हेयर को डैमेज करेगा। साइंटिफिकली कुक्ड राइस हेयर मास्क के लिए बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है और कोई भी रिजल्ट आपको कुक्ड राइस से नहीं मिलता है। तो अब हम आते हैं रॉ राइस में। हेयर को क्या चाहिए होता है? हेयर को अमीनो एसिड्स चाहिए होता है। तो राइस के अंदर काफ़ी अमीनो एसिड्स होते हैं, स्पेशली रॉ राइस में, और रॉ राइस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 8 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो अब सवाल है कि रॉ राइस को यूज़ कैसे करना है? तो आपको रॉ राइस को पहले फर्मेंट करना होता है। तो आपको 1 part ऑफ राइस लेना है और 8 parts ऑफ वाटर लेना है। राइस को वाटर में सोक करना है 48 hours तक। 48 hours के बाद आपको राइस को वाटर से अलग कर लेना है और वाटर को किसी स्प्रे बॉटल में डालकर आपको यूज़ करना है। आप उस वाटर को डायरेक्टली अपने हेयर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फर्मेंटेड वाटर है ये आपके हेयर के ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आपके हेयर के हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और साथ में आपके हेयर को प्रोटीन भी मिलती है। तो बस इतना ही था मेरा वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।